हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कैलाश तिवारी। और दोस्तों, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है सभी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे बम्पर वैकेंसीज आई हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हो FCI की तरह, ये भी जो फूड ग्रेन स्टोरेज है उसका वर्क मेजरली करता है। आप यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है एक मिनी रत्न कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या प्रोवाइड करती है? साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोड्यूस एंड अदर नोटिफाइड कमोडिटी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो आप ये समझ गए कि ये बेसिकली किस चीज के पे काम करती है, जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं उनके स्टोरेज और उनके ट्रांसपोर्टेशन पे, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट की आई है, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें 81 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD नॉर्थ ईस्ट, इसमें 10 वैकेंसीज हैं। JRD UT ऑफ लद्दाख, ये इसमें 2 वैकेंसी है। तो आप ये देख सकते हैं ओवरऑल 93 वैकेंसीज हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसीज टेक्निकल असिस्टेंट की ही है। और क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंट मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर ही टेक्निकल है, और यहाँ पे वेयर हाउसिंग में ये वैकेंसीज अच्छी आई है। अब लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी भी आती थी, बट इस बार मैनेजमेंट ट्रेनी नहीं आई है, इस बार जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट आई। 2019 में इससे पहले की नोटिफिकेशन आया हुआ था। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट आप ऐसे समझ सकते हैं अभी जो FCI AG3 था, सिमिलरली सारी चीजें हैं। सिमिलरली सारी चीजें कहने का मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है और जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर जो हमारा सिलेबस होने वाला है वो वही है। अब यहाँ पे अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है आज के न्यूज़पेपर में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। इसमें कोई भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट 26 अगस्त से होगा और एंड डेट 24 सेप्टेम्बर है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं CEACOR.NIC.IN में, वैसे ही यहाँ पे हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2019 में नोटिफिकेशन आया था उसके बेसिस पे मैं आपको एग्जिस्ट दे देता हूँ, सो दैट कि समझना आसान हो जाएगी कैसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये एक बम्पर वैकेंसी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा IBPS AFO का ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, और क्योंकि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी काफी हद तक वही है, जस्ट क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA और एग्रीकल्चर इसमें रहता है। एग्रीकल्चर के साथ साथ जूलॉजी बॉटनी भी रहती है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको दोनों में ही बेनिफिट रहेगा। इसका स्टडी प्लान भी हमने दिया था, आप स्टडी प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछली बार का जो नोटिफिकेशन था, तो पिछली बार का नोटिफिकेशन आप देखेंगे ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग का है, 2019 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की भी पोस्ट आई थी, बट इस बार यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की पोस्ट नहीं है, इस बार यहाँ पे सिर्फ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है। तो पिछली बार भी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की थी और वैकेंसी थी 238, इस बार हालांकि वैकेंसीज कम है बट फिर भी अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं 93 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो एलिजिबल वाली चीजें अभी हम जनरल देख लेते हैं, बाकी चीजें तो हम फिर नोटिफिकेशन आएगा तभी देखेंगे। तो जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है इसमें डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ साथ जूलॉजी केमिस्ट्री, जैसे कि FCI में मैंने आपको बताया था AG3, वैसे ही यहाँ पे भी है। असिस्टेंट जो मैनेजमेंट ट्रेनी है वो यहाँ पे नहीं है, इस बार नहीं आया है, अदरवाइज मैनेजमेंट ट्रेनी में पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री चाहिए होता है। अब इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, क्योंकि बाकी एलिजिबिलिटी इस बार के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, अभी ये डिस्कस नहीं करेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आप देख सकते हैं रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40, इंग्लिश 35, DI एंड क्वांट्स 40, जनरल अवेयरनेस 20, प्रोफेशनल नॉलेज 65। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे लास्ट टाइम थी, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एक एक्स्ट्रा है, कंप्यूटर अवेयरनेस एक्स्ट्रा है, और साथ साथ प्रोफेशनल नॉलेज, तो बाकी सारी चीजें AFO के अकॉर्डिंग ही है। तो हम भी इसका कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे हमने FCI में प्रोवाइड किया था, डेफिनेटली यहाँ पे भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे एक और चीज अच्छी बात है, वो ये है कि सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है, बट हम यहाँ पे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का देखेंगे। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आप देखेंगे तो बेसिक एग्रीकल्चर, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट प्रोटेक्शन, एनिमल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर एंड
एनिमल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इसके साथ साथ बॉटनी के 15 क्वेश्चन, तो अगेन ये बिल्कुल वैसा पैटर्न हो गया जैसा हमारा एफसीआई में था। जूलॉजी के 15 क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन रहे यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये जेटीए का पूरा सिलेबस है। अभी आप इसके बेसिस पे अपना मन बना सकते हैं, प्रिपरेशन करने के लिए सोच सकते हैं, और बाकी जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। ये जस्ट मैंने आपको दिखाया कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग क्या सारी चीजें थी। सो आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिला होगा, और ये काफी टाइम बाद है कि कुछ अच्छी वैकेंसीज के साथ एक और नोटिफिकेशन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो स्टूडेंट्स आप इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए लग सकते हैं, कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।